हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एस शांतनु बेठे, योर कोच। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस जरूर अपलोड करूंगा, तो वक्त आ गया है। मैंने चार प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं और ये जो प्लेलिस्ट है इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हर एक प्लेलिस्ट में एक लेबर कोड को मैं कवर करने जा रहा हूँ। दो तरह के वीडियोज इन प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करूंगा। एक डिटेल वीडियोस जो कि स्टूडेंट कंसल्टेंट और टीचर्स के काम आएंगे, और दूसरी तरफ टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो कि बिजनेसमैन और वर्किंग क्लास के काम आएंगे। अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में पोस्ट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियोस राइट ऑडियंस तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए देखते हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दीज न्यू फोर लेबर कोड्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लेबर कोड्स की। लेबर एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है इंडस्ट्री में। आजादी के पहले से लेबर लॉज हमारे यहाँ पास होते आए हैं और आजादी के बाद भी ढेरों लेबर लॉज पास हुए हैं। इनमें से बहुत सारे लेबर लॉज को ओमिट कर दिया गया है, लेकिन आज की डेट में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की साइट पे जाएंगे तो इतने एक्ट्स अभी भी यहां पर मौजूद हैं। लेबर एक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं शुरू से, और एक कोशिश की गई है कि ये जो लेबर लॉज है इनमें से काफी लेबर लॉज को रिप्लेस कर दिया जाए नए लेबर कोड्स के थ्रू। समय के साथ लॉज में भी बदलाव आना जरूरी है। अभी जो नए लेबर कोड्स आए हैं, ये चार लेबर कोड्स हैं, इनको मैं डिटेल में यहां पर बता रहा हूं। इनके नाम समझ लीजिए और हर एक लेबर कोड कौन कौन से एक्ट्स को रिप्लेस करने जा रहा है वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 29 एक्ट्स जो है लेबर एक्ट्स वो रिप्लेस हो जाएंगे चार नए लेबर कोड्स के थ्रू। अब आप बोलेंगे सर एक्ट और कोड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक्ट जो रहते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करते हैं और वो कानून बन जाते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। कोड जब हम लाते हैं तो इसका मकसद होता है कि डिफरेंट एक्ट्स जो पास हुए हैं उनकी जगह एक नया कानून लाया जाए। तो इट्स अ बंच ऑफ एक्ट्स जिसको कि रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए कानून के द्वारा। तो ये जो नया कानून बनता है इसे हम कोड कहते हैं। तो चार लेबर कोड्स में सबसे पहला जो कोड है दैट इज कोड ऑन वेजेस 2019, ये टोटल चार लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करता है। इसके बाद आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये 9 लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करेगा। और इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये टोटल 13 लेबर एक्ट्स को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये 3 लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करेगा। इन चारों लेबर कोड्स में जो सबसे पहला लेबर कोड पास किया गया है वो है कोड ऑन वेजेस 2019। ये सबसे छोटा कोड भी हम कह सकते हैं, जिसमें केवल 69 सेक्शन है और इसे 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 8 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की एसेंट इस कोड को मिल चुकी है, और ये एक्ट अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ओनली 3 सेक्शंस हैं, 42, 67 और 69, ये ही अभी इंप्लीमेंट हुए हैं। जब ये वीडियो पब्लिश किया गया है तब ओनली 3 ही सेक्शन को इंप्लीमेंट किया गया है जो कि रिलेटेड है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से। इसके बारे में आगे डिटेल में मैं बात करूंगा, और ये इफेक्टिव है 20th दिसंबर 2020 से। अब इंपॉर्टेंट बात आपको जो नोट करनी है, ये चार लेबर एक्ट्स हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, क्योंकि ये भी वेजेस से रिलेटेड है, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये चारों एक्ट रिप्लेस हो जाएंगे न्यू कोड ऑन वेजेस 2019 से। अब इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, तो वो सारा आप आगे देख सकते हैं।
इसके बाद दूसरा जो कोड है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें टोटल 164 सेक्शन है जिसको 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और टोटल 7 शेड्यूल्स हैं इस कोड में, और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है 28 सितंबर 2020 को। अब आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी, इससे जितने भी रिलेटेड एक्ट्स थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है इस कोड के थ्रू, जैसे कि एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेच्युटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट अब रिप्लेस हो जाएंगे नए कोड से जिसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं आगे बनाने जा रहा हूं, उसमें आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें टोटल 104 सेक्शंस हैं जिसको 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और टोटल 3 शेड्यूल इसमें हैं। इसको एसेंट मिली है प्रेसिडेंट की 28 सितंबर 2020 को, और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है ये कोड, तो ये 3 एक्ट जो कि रिलेशन से इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड थे, लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस नए कोड के थ्रू जिसका कि नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा। और इसके बाद आता है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। टोटल 143 सेक्शंस हैं इसमें, टोटल 14 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है और 3 शेड्यूल इस कोड में हैं। इसको भी प्रेसिडेंट की एसेंट मिली है 28 सितंबर 2020 को। अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो एक्ट रिप्लेस कर रहा है वो यही कोड है जो कि रिलेटेड है सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से। तो इनमें से अगर आप इंपॉर्टेंट एक्ट देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट काफी बड़ा एक्ट है, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये भी रिप्लेस हो जाएगा इसी कोड से। इसके अलावा कुछ और एक्ट्स हैं जैसे कि प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, सीने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स, डॉक वर्कर्स एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये इस तरह के जो एक्ट्स है, अदर एक्ट्स जो कि सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड थे, इन सभी एक्ट्स को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा इस नए कोड के द्वारा जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं तो वो आप अलग से उसे देख सकते हैं।